मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगूं आज नहीं ते बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है, आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे, मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। और ना हम अमिता ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय। ये टाइमिंग हमने नहीं की थी लेकिन देखिए टाइमिंग खुद ही हो गई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, परफेक्ट। मेरा नाम है अक्षय कुमार, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पुरानी दिल्ली से हूँ और आज यहाँ कॉन्क्लेव के लिए आया हूँ। तो श्वेता जी मेरा इंटरव्यू लेंगी, मुझसे बात करेंगी। गुड न्यूज लेकर आए। हाँ जी, गुड न्यूज लेकर आए। गुड न्यूज लेके आए, फिल्म है जो 27 दिसंबर को आएगी और बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है एक। हाँ जी, गुड न्यूज बेटा, गुड न्यूज। पिक्चर का नाम ही गुड न्यूज है। हाँ जी, अच्छा चल ठीक जी, पूछे। रिकॉर्ड क्रिकेट में बनते हैं लेकिन अक्षय कुमार फिल्मों में एक रिकॉर्ड बनाने के मुहाने पर खड़े हैं। लगातार बैक टू बैक 11 हिट फिल्में आ चुकी हैं। राजेश खन्ना जी की 15 हिट फिल्में बैक टू बैक का रिकॉर्ड है। 2016 से लगातार अब 11 हिट फिल्में दे चुके हैं, ये क्या रेसिपी है? मैम उतना बोल दिया तो वो भी बता दीजिए, 14 फ्लॉप भी दे चुका हूँ। उससे पहले 14 फ्लॉप दे चुका हूँ और अभी मतलब देखिए ऐसा होता है फिल्में जो होती हैं, ऐसा मैं जो कहूँगा कि जो 14 फिल्में जो मैंने फ्लॉप दी थी उसमें भी बहुत मेहनत की लेकिन नहीं चली, इसमें भी मेहनत की ये चल गई। मैं समझता हूँ कि फिल्में जो होती हैं आप पूरी कोशिश करते हो, पता नहीं यहाँ कितने लोग माने या ना माने, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे करियर में मैंने देखा है वो ये है कि 70% लक चाहिए और 30% हार्डवर्क चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड बिलीव इन इट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी अपने स्टूडियो पे जाता हूँ तो मेरे से मोर टैलेंटेड लोग वहाँ खड़े रहते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेरे से मच मोर गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं और मेरे से अच्छे डांसर्स होते हैं, मेरे से अच्छे फाइटर्स होते हैं। बस उनके पास ये नहीं होता कि वो लक, वो पहली फिल्म, वो फिल्म में चलना, वो नहीं होता उनके पास। तो फिर यही कंक्लूजन होता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड लक ऑल्सो एट द सेम टाइम। आज ऐसी स्थिति है कि हर साल अगर हम अगले साल का भी देख लें तो 4-5 अच्छी फिल्में आपकी लाइंड अप रहती हैं। जो लोग, जो एक्टर्स, जो प्रोड्यूसर्स कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल्स पर उनकी फिल्में रिलीज हो जाएं, पता चलता है अक्षय कुमार की फिल्म तो पहले से वहां पर बैठी हुई है रिलीज के लिए। अभी ऐसा बैठ गया, मतलब आगे है ये अगला साल जो है वो फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है वो, मतलब क्योंकि वी ऑल एम फॉर दैट काइंड ऑफ अ टाइम, बिकॉज उसमें क्या होता है छुट्टियों का माहौल होता है, लोग कई लोग फिल्में ज़्यादा देखने जाते हैं तो फिल्म का बिजनेस ज़्यादा बड़ा होता है, तो दैट इज़ वाई। नहीं पर अभी तक होता था ना, जैसे क्रिसमस पर आमिर खान की फिल्म आएगी, ईद पर सलमान खान की फिल्म आएगी, लेकिन अब तो हर त्यौहार पर अक्षय कुमार। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक मीडिया ने बना रखा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। क्रिसमस में कोई भी आ सकता है, दिवाली में भी कोई आ सकता है, खान कपूर या कोई भी आ सकता है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, मतलब खान कपूर कुमार कोई भी आ सकता है। अच्छा, फोर्ब्स की लिस्ट तो हमने नहीं बनाई ना, तो ना मैंने भी नहीं बनाई, लेकिन जिसने बनाई है उस लिस्ट को देखकर बड़ा गजब का है कि आपके नीचे जो नाम है वो अगर वहां से पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है कि अरे देखिए आपसे ऊपर सिर्फ 3 एक्टर्स
जी, और हिंदुस्तान का एक भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। अभी उसमें मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब यही कह सकता हूँ कि अच्छा लगता है। कहाँ से जिंदगी शुरू की थी, चांदनी चौक से, परांठे वाली गली से जिंदगी शुरू की थी, आज मुकाम यहाँ तक मिल गया है, तो वही फिर वही बात आ जाती है, इट इज ऑल अबाउट लक। नेशनल अवार्ड में भी लक होता है या उसमें मेहनत ज्यादा होती है, प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाता है? नेशनल अवार्ड में ऑब्वियसली सब कुछ होता है, लक होता है, मेहनत होती है, गुड फिल्म होती है, एंड एप्रिसिएशन होती है, सो ये सब मिला के तब जाके मिलता है। मैं देखिए आपको बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब मुझे मेरा पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरे साथ एक लड़की आई, वो भी बैठी, उसको भी ऑब्वियसली वो पूरा जो था, सबको नेशनल अवार्ड मिलने वाले सारे लोग बैठे, तो लड़की बैठी हुई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नेशनल अवार्ड में कैसे बेइज्जती हुई, नहीं नहीं सच्ची बता रहा हूँ। तो वो लड़की आई और मेरे साथ बैठी, और मैंने तो बोले सर आई एम अ बिग ह्यूज फैन, शी वॉज अ मलयालम एक्ट्रेस एंड आई हैव सीन ऑल योर फिल्म्स एंड आई एम अ ह्यूज फैन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको नेशनल अवार्ड मिला। एंड सर मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला। तो बोला सर हाउ मेनी फिल्म्स हैव यू डन, मैं बोला आई हैव डन अबाउट 135 फिल्म्स। तो फिर मैंने पूछा हाउ मेनी फिल्म्स हैव यू डन, सर दिस इज माय फर्स्ट फिल्म। तो बस ये मतलब उसने पहली पिक्चर में आके नेशनल अवार्ड लेके चला गया, तो मैं क्या बोलूं, मतलब इट वाज अ क्वाइट एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन एट दैट टाइम एंड आई फेल्ट अ लिटिल बिट ऑड विद दैट। या आपको 25 साल लगभग लग गए थे इंडस्ट्री में, अब लगभग 30 साल आपके हो जाएंगे। अब अगले साल जुलाई में, जून जुलाई में मेरे 30 साल हो जाएंगे। लेकिन आपकी पहली फिल्म याद आती है मुझे जी, सौगंध, जिसमें पहला शॉट आपका और अक्षय कुमार हैंडस्टैंड हाथों में, जैसे कल स्वामी रामदेव यहाँ पर आए थे और कोई उनके चैलेंज को नहीं पूरा कर पाया था, पहली फिल्म में आप वैसे नजर आए थे। जी हाँ, वो मेरा पहला शॉट यही था कि मैं जूते कैमरा को दिखाते हुए आया था मैं। हाँ, उल्टे नजर आए थे। हाँ मैं उल्टा था उस वक्त। अभी भी कर लेते हैं आप? हाँ अभी भी कर लेता हूँ। अभी मतलब आप अभी कर सकते हैं? अभी मैं अभी कहाँ से, मतलब आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, मतलब अक्षय कुमार है, कुछ भी कर सकते, तो कपड़े उतार के कर लो। ठीक क्यों, तो एक बात बता, हौसला तो बढ़ाओ। अच्छा थोड़ी देर में कर लूँ, थोड़े और प्रश्न, थोड़े थोड़ी देर में और कर लेता हूँ। और मुझे लगता है कि आप चाहते तो और भी लंबा कर सकते थे। हा? मैं इसे टाइम कर रही थी। आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप 52 साल के हो गए हैं? Oh हाँ जी मैं कंफर्म कर सकता हूँ। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। 52, 52 साल, विश्वास नहीं होता है देखकर। और वाकई फिल्में देखते 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 आपको अभी भी लगता है जैसे कि वही अक्षय है जो हमेशा से हम देखते आ रहे थे। नहीं थैंक यू वेरी मच, ये सब परांठों का कमाल है। काजुल यहाँ पर आई थी कल और वो बता रही थी कि आप वेजिटेरियन हैं।
हाँ जी मैं वेजिटेरियन हूँ। आप फिर भी इतने फिट रहते हैं, वो प्रोटीन और वो, ये पता नहीं गलत फहमी है कि वेजिटेरियन में प्रोटीन नहीं मिलते, गलत फहमी है। उसके अंदर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वेजिटेरियन में खा के प्रोटीन ले सकते हैं। आई थिंक वेजिटेरियन में, मैं पहले नॉनवेज खाता था फिर मैंने छोड़ दिया, और आई थिंक आई फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई बॉडी एंड इन द वे आई थिंक एंड द वे आई फंक्शन, द मतलब मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है उससे। और अब आप वीगन हो गए हैं? हाँ, कोशिश हुई रहती है। लास्ट पराठा कब खाया था? आई थिंक दो दिन पहले। और फिर भी ऐसे फिट रहते हैं आप? पराठे से फिटनेस का क्या फर्क है? मन भर के खाओ। नहीं खाओ, देखिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप जो मर्जी खाओ लेकिन एक्सरसाइज एक घंटा करते रहो हमेशा। घंटे करते हैं रोज़ आप? हाँ एक घंटा करता हूँ मैं, एक घंटा कभी सवा घंटा हो जाता है, कभी दो घंटे हो जाते हैं, कभी 40 मिनट, लेकिन एक घंटा तक तो रहता ही है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पर? यस आई लीड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ, आई लाइक इट। एंड जैसे मुझे पार्टियों में जाने का शौक नहीं है, ये नहीं है कि पार्टी में जाना गलत है, बस शौक नहीं है। मुझे शराब पीने का शौक नहीं है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीना बुरी बात है, आप जिसको अच्छा लगता है पिए, लेकिन लिमिट में पिए, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आपने कहा था कि लोग जब घर लौट रहे होते हैं पार्टियों से, तब मैं अपने काम पर जा रहा होता हूँ। हाँ मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, कईयों को देखता हूँ 4 बजे उठ जाते हैं जी। हाँ तो नरेंद्र मोदी जी से तो ये मैच किया होगा? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी से तो मैच किया होगा आपका 4 बजे उठना? ना कि उन्होंने मुझे देख के किया, ना मैंने उनको देख के किया, ये इत्तेफाक की बात है। हाँ कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, और मैंने सुना सुना क्या है, आपने बातचीत की है? बातचीत की है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था, ये वाला प्रश्न रह गया था 4 बजे वाला। ये वेल रिसर्च सवाल थे या आपने जो उस समय आया मन में? नहीं मैम, जो 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 कुछ आया रिसर्च, मतलब अभी कईयों ने मजाक उड़ाया कि आपने पूछा है कि आम खाते हैं, अब इसमें रिसर्च क्या करूं? ये आपको लगता है कोई रिसर्च वाला सवाल था? तो ये तो एक एक सवाल था, मतलब जो डिक्टेटेड सवाल तो हो सकता है। सॉरी, डिक्टेटेड सवाल तो हो सकते हैं कि ये पूछना? नहीं डिक्टेटेड, मैं आपको बताऊं मैं वैसा आदमी हूं नहीं, मैंने जो मन में आया मैंने पूछा। मैंने तो ये भी पूछा है कि आप चुटकुले सुनाते हो, आप सुनना पसंद करते हो, मैंने तो चुटकुला भी सुनाया एक नॉर्मल हिसाब से। मैंने जो जैसे जैसे आप अभी फिलहाल जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मुझसे क्या क्या पूछ रहे हो, पराठे खाते हो? तो उसी वक्त मैंने पूछ लिया कि आप आम खाते हो, आपके और मेरे में क्या फर्क रहा? वही है, हम दोनों आप मैं एक फिल्म स्टार का इंटरव्यू कर रही हूं और आप एक प्राइम मिनिस्टर का। तो प्रधानमंत्री आम नहीं खा सकते, इसमें क्या हुआ? सब खा सकते हैं, प्रधानमंत्री जोक नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं, जोक सुनना पसंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इट इज़ द सेम थिंग, इट इज़ जस्ट अ नेचुरल थिंग। एंड उसी हिसाब से मैंने जो प्रश्न थे वो जो जो दिल में आया, जो दिमाग में आया वो पूछा। आपने जब अपने मतलब आपके शुरुआती दिनों की जब बात होती है, आपके संघर्ष के उन दिनों की बात होती है, तो सब जानते हैं कि अक्षय एक शेफ के तौर पर वो काम करते थे। अभी भी कुकिंग का टाइम मिलता है आपको? हाँ मैम, कर लेता हूँ कभी कभी, समझ लीजिए महीने में एक बार संडे को कर लिया कभी। बेटा आता है, बेटा मेरा लंदन में पढ़ता है, कभी आता है तो डैडी आज पास्ता बना दो, आज चॉकलेट का पराठा बना दो। चॉकलेट का पराठा? हाँ, नहीं खाया ना आपने? चॉकलेट के पराठे भी बनते हैं, जैसे मूली के होते हैं, गोभी के होते हैं, वैसे चॉकलेट के पराठे भी होते हैं, आप लेके उसको बना सकते हो। ये आपकी अपनी रेसिपी है? नहीं नहीं, ये मैंने सीखी है कहीं। अरे वाह, एंजॉय करते हैं उतना ही अच्छा लगता है। जब बड़ा रेयर सा होता है कि एक पिता किचन में बैठ के खाना बना रहा होता है और माँ और बच्चे सब बाहर होते हैं, एक अच्छा लगता है सबको। अक्षय को जब शुरुआती दिनों में हम इमेजिन करते हैं और वो सारी कहानियाँ रिपोर्ट्स जो आपके बारे में आती थी, एक लेडीज मैन का इमेज, और आज जब हम देखते हैं तो एक फैमिली मैन अक्षय कुमार नजर आते हैं। लेडीज मैन का इमेज क्या होता है?
मतलब आज भी मैं लेडीज मैन हूँ, मैं से अगर कोई आपसे अच्छी तरह मिला आपसे, मतलब खैर जो भी है, हाँ पहले लेडीज मैन जिस हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं तो हाँ जी, पहले मैं था लेडीज मैन था, अब मैं फैमिली मैन हो गया हूँ। मतलब आवाज में मजबूरी तो सुनाई नहीं देनी चाहिए, सॉरी आवाज में मजबूरी तो नहीं पता चल, बिल्कुल नहीं, मजबूरी किस बात की है, मैं ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है। आई थिंक आई मीन से आई हैड अ वेरी गुड लाइफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और बहुत लोगों को इंस्पायर भी करते हैं आप जिस तरीके से आपकी फिल्मों में भी, देखिए फिल्में अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं कि फिल्मों को एंटरटेन करना चाहिए या इन्फॉर्म करना चाहिए या टीच करना चाहिए, आपने एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है। आपकी फिल्में कुछ एंटरटेन भी करती हैं और कुछ जो फिल्में होती हैं आपकी वो एक बहुत बड़ा मैसेज भी छोड़कर जाती हैं, और ये एक साल भर में हम अक्षय का हर रूप हर तरह की फिल्म देख लेते हैं, ये कोशिश होती है आपकी तरफ से, ये एक कोशिश होती है नहीं, ये बेसिकली कुछ रोल्स ऐसे मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जो मन करता है मैं करूं। जैसे अभी मैंने आपको बताऊं, गुड न्यूज़ मैंने फिल्म की है, वो IVF के ऊपर है, एक कमाल सा टॉपिक है, जिसकी वजह से, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से कई घरों में खुशियाँ मिलती है। करीबन मैं उसको स्टडी कर रहा था, करीबन 8 मिलियन हाउसेज have been happy because of IVF and this kind of technology. कई औरतों को मैंने देखा है, उनसे बात की है, जो कि अपना करियर को बढ़ाना चाहते हैं और बच्चे नहीं करना चाहते अभी, सो दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू जब आप 40 की हो जाएं, सो यू कैन बी प्रेगनेंट अगेन, एंड मीन से दिस टेक्नोलॉजी हैज अ थिंग ऑफ मीन से हैविंग 90% गुड रिजल्ट्स, 90-95%। सो आई मुझे ये एक कहानी मिली, सो आई जस्ट फेल लाइक डूइंग दिस एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट। मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात, इट्स वेरी स्ट्रेंज, आई नोटिस्ड इट, मैं एक शो पे गया हुआ था, आई टेल यू हाउ स्ट्रेंज इट इज, यू विल नॉट बिलीव इट, दे वर शोइंग, मेरा ट्रेलर दिखा रहे थे गुड न्यूज का, और उसके अंदर करीबन 4 या 5 बार द वर्ड स्पर्म केम, एंड दे एक्चुअली द चैनल हैड बीप्ड इट। I failed to understand and I was very upset about it. I actually asked them, आप लोग इसको beep कैसे कर सकते हो? Sperm is not a bad word. Semen is not a bad word. It is a natural word. It is a natural thing. I have made an educational film. It is a film which every parent should take their children. They should know about it. जैसे मैंने पैडमैन बनाई थी, दे शुड नो अबाउट सैनिटरी पैड, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज अ नेचुरल एस्पेक्ट, इट्स अ नेचुरल थिंग, स्टॉप मेकिंग इट, स्टॉप बीपिंग इट। सो एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई गो फॉर। जरूरी नहीं है कि कोई एक सीरियस मैसेज देने के लिए आपको लोगों को रुलाना पड़े, आप हंसाते हुए भी वो मैसेज नहीं है, ये फिल्म में हंसी बहुत है, बहुत हंसी है, लेकिन लास्ट में एक मैसेज भी देके जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी Very emotional also this film. ये transition कब हुआ जब खिलाड़ी कुमार के तौर पर जाने जाने वाले अक्षय कुमार भारत कुमार के तौर पर अब जाने जाते हैं? भारत कुमार लोग कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों कहते हैं, मैं तो अलग अलग किस्म की फिल्में करता हूँ, फिर जब भारत कुमार कहते हैं जब हाउसफुल रिलीज होती है तो फिर वापस वो ले लेते हैं। मतलब समझ में नहीं आता, मैं आई डोंट वॉन्ट अ टैग, आई डोंट वॉन्ट एनी टैग, आई जस्ट वॉन्ट टू डू फिल्म एंड थ्रू माई फिल्म आई कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड इन अ नहीं नहीं सर, यहाँ एक मिनट, बहुत सीरियस बातें चल रही हैं, आपको बाला देखना है तो आप फिल्में देख लीजिए, अमेज़न पे आ रही होगी। सो वेयर वाज आई फॉरगॉट, नहीं आप ये अवॉइड क्यों कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा, मतलब डांस, मतलब अक्षय कुमार मैडम आपका वो स्टेप दिल्ली में शादियों में बहुत यूज हो रहा है, वहीं से तो उठाया। सिखा दीजिए किसी को, लड़कियां कह रही हैं वहां पीछे जो बैठी हैं, करते हैं थोड़ी देर में करते हैं मैडम, ये खत्म हो जाए, ये पहले जो ये जो मेरे सर पे जो स्ट्रेस है ये निकल जाए। अरे एक मिनट रुक जाओ मेरे मालिक, रुक जाओ थोड़ी देर में करते हैं।
रुक दे, अच्छा थोड़ी थोड़ी देर, हाँ हो जाएगा, मैं सुबह कर रहा हूँ वैसे तो, 4 बजे सुबह उठकर कर लेते होंगे एक्सरसाइज, तो रात भी जल्दी होती है फिर? हाँ मैं 9:15 बजे सो जाता हूँ, 9:30 बजे टाइम है। हाँ। नहीं अभी अपनी जगह पर बैठ जाइए बस कुछ देर बाद। हाँ। हम क्या बात कर रहे थे, आपकी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, आपकी इमेज के बारे में बात कर रहे थे, और उन लगभग 3 दशक की बात कर रहे हैं जिसमें आपके बहुत सारे इमेज परिवर्तन आए। आप अपनी पुरानी फिल्मों को कभी देखना पसंद करते हैं? आप बहुत पसंद करता हूँ अपनी पुरानी फिल्में देखना। कौन सी फेवरेट है आपकी? मेरी सारी फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ऐसा तो ऐसा रहता है कि यू नो दीज आर द काइंड ऑफ फिल्म्स यू शुड नॉट डू। जैसे? जैसे कोई कोई भी आप उठा लो, कोई भी आप उठा लो, ऐसा कोई मतलब इतना वो नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। मैं तो मुझे तो याद है मैं एक बार क्या वक्त हमारा है आपको मोहरा मोहरा आपकी फिल्म मोहरा में ऐसा कुछ थोड़ी था कि जो नहीं करना चाहिए? नहीं मोहरा में मैं तो बहुत पीछे जा रही हूँ, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, गानों की बात नहीं कर रहा। ठीक है मैं आपको बताऊँ, मैंने कई ऐसी फिल्में कर करके जो भी आज मैं जिस मुकाम पे जहाँ भी पहुँचा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से पहुँचा हूँ, अपने सीख सीख के पहुँचा हूँ, और अभी भी मैं बहुत सीख रहा हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। अब मैं एक फिल्म कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान, मैं वो फिल्म कर रहा हूँ उसमें कुछ आई एम सो हैप्पी दैट इन दिस लाइफ टाइम मुझे मौका मिलता है मैं इतने किरदार खेल सकूँ, इतने किरदार के बारे में जान सकूँ। मैं आई एम टेलिंग यू, मैंने जब मैं क्लास में पढ़ता था तो हिस्ट्री में मुझे पृथ्वीराज का लेसन पढ़ता था, लेकिन इतना कुछ नहीं पता था जब मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो इट बिकम्स आई थॉट आई मीन से दिस इज़ अ ग्रेट थिंग कि थ्रू माई फिल्म्स आई कैन ऑल्सो टेल पीपल अबाउट वॉट इट इज़ हाउ इट इज़। लाइक मैंने जब एयरलिफ्ट की, कई लोगों ने मुझे तो कई मीडिया वालों ने बताया था कि उनको भी नहीं पता था कि 1,70,000 लोगों को एयर इंडिया इंडियन एयरफोर्स द बिगेस्ट एयरलिफ्ट दे हैड गॉट देम बैक हियर, दैट इज इन वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड। सो आई थिंक आई हैव द पावर टू शो फिल्म्स एंड टू डू फिल्म्स वे आई कैन टेल पीपल अबाउट इट। बट गाइज आई ऑल्सो डू डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, आई डू एन एंटरटेनिंग फिल्म लाइक अ हाउसफुल ऑल्सो, मतलब आई एम जस्ट I'm mixed of every kind of film, whatever I can do. जैसे केसरी। जी केसरी। केसरी एक ऐसी फिल्म थी जो एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था। बहुत कम जनों को पता है। फिल्म बेस्ट मीडियम है उसके लिए। Yeah, so वो क्या अनुभव था उसमें? क्योंकि वो उस फिल्म का अनुभव आपका जानना चाहते हैं आप। बहुत मजा आया उस फिल्म के अंदर। एक बताऊं आपको कि एक तो जब एक इंसान पग पहनता है, पगड़ी पहनता है, तो उसके अंदर एक रुबाब सा अपने आप आ जाता है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ एंड द फैक्ट। मैंने 2 फिल्में की हुई हैं पगड़ी पहन के, 3 फिल्में की हुई हैं पगड़ी जब मैं पहनता हूँ, और ख़ास करके जब मैंने केसरी में पहनी थी तो उसके अंदर मेरे अंदर जो रुबाब आ जाता था, जो अपने आप मेरी वॉक आ जाती थी, इट बिकम्स अ वेरी नेचुरल वॉक, एंड माई एक्सपीरियंस डूइंग दैट काइंड ऑफ अ रोल आई विल नेवर फॉरगेट इट। एक समय था जब आप ये कहा करते थे कि बड़े बैनर्स बड़े डायरेक्टर्स नहीं देखते हैं आपकी तरफ, अब तो देखिए। एक समय अभी मैंने कल परसों ही किसी को कहा था। क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं लेते हैं, सब चाहते हैं आपके साथ काम करना, आप गारंटी हो गए। नहीं वो नहीं नहीं चाहते सब हैं, लेकिन वो खुद पैसा देना नहीं चाहते इसलिए नहीं लेते। हाँ जी सॉरी वो पूछ रहे हैं एयर लिफ्ट कर ली एयर स्ट्राइक कब करेंगे आप? अच्छा एयर स्ट्राइक कोई दे देगा तो उसी कर लो प्रोड्यूस। नहीं वैसे भी अक्षय का रिकॉर्ड है 23 फर्स्ट टाइम, ये 23rd फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ डेब्यू कर रहे हैं एक डायरेक्टर आपके साथ। I've done 23 या विद न्यू डायरेक्टर्स एंड 18-19 हीरोइंस। या ज्यादा आसान होता है उनको आप बता पाते हैं या कुछ नया उनके साथ? हाँ बेसिकली मुझे अच्छा लगता है जब ये लोग, बिकॉज फॉर न्यू डायरेक्टर्स इट इज लाइक अ डू एंड डाई सिचुएशन कि मुझे करना है नहीं तो इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, रेयरली कभी चांस मिलता है। सो आई लाइक द ग्रीड इन देम, आई लाइक उनके अंदर जो भूख रहती है कुछ कर दिखाने की, कुछ कर मतलब
just to prove themselves. That is what I saw when my director Raj Mehta, who has directed my film Good News. तो उसके अंदर वो इनके अंदर भूख रहती है. फिर जब एक बार पेट भर जाता है, तीन चार फिल्में चल जाती हैं, फिर वो मैंने कम जनों में देखा है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है नए डायरेक्टरों के साथ काम करने में. अच्छा, आजकल ये फिल्मों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आजकल फिल्म इंडस्ट्री बड़े क्लियर अपने थॉट्स के लिए भी जानी जाती है, और अक्षय कुमार एक नेशनलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं. नेशनलिज्म क्या है आपका? नेशनलिज्म क्या है मेरे लिए? मैं देखिए, मैं एक बिलीफ रखता हूं, आई डोंट बिलीव द फैक्ट दैट व्हाट द कंट्री हैज गिवन यू, आई बिलीव द फैक्ट दैट व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री. इट इज द सेम, दैट इज फॉर मी इज नेशनलिज्म, एंड दैट इज फॉर मी इज इसीलिए कभी कभी देखता हूं ना कि कई लोग कहते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, चाहे कोई भी सरकार हो. मैं कहता हूं कि आप क्यों इतना कंप्लेन करते हो, आप करो अपना काम. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल, हम एक क्रिकेट टीम के अंदर हम एक कैप्टन चुनते हैं, चाहे वो बीसीसीआई हो, पब्लिक हो, पीपल हो, एवरीबडी, वी हम एक कप्तान को चुनते हैं. और उस कप्तान जैसे विराट कोहली हुआ, तो अब पूरे टीम का ये फर्ज होता है कि कप्तान की बात सुने. आज कप्तान टॉस खेलने के बाद, मतलब टॉस करने जाने वाला है, तो वो अपने टीम के साथ बैठता है, पूछता है कि भाई क्या लगता है, फील्डिंग लेनी चाहिए पहले टॉस जीतने के बाद या बैटिंग. चार जन कहते हैं बैटिंग, छह जन कहते हैं फील्डिंग. अब जाके ये छह जन की बात सुन के जाता है ये समझ के, और टॉस जीतता है और कहता है फील्डिंग. अब जी वो ऑपोजिट प्लेयर्स खेलने आते हैं और वो खेलना शुरू करते हैं, और वो करीबन 130 रन फॉर नॉट आउट, कोई भी आउट नहीं है. वो जो चार जिन्होंने कहा था हमको बैटिंग लेनी चाहिए थी, अगर वो ये कहना शुरू कर दे यार इस बोला था इस बेवकूफ को कप्तान को, कोई सुनता नहीं हमारी बात यार, ये बेटर रहेगा या ये कि डोंट वरी वी विल फील्ड प्रॉपरली, वी विल ट्राई एंड गेट देम आउट एंड वी आर ऑल टुगेदर. सो आई पर्सनली फील, चाहे कोई भी कप्तान हो, आप लोगों ने सबने चुना है, फॉलो द लीडर. चाहे कोई भी पार्टी का हो, जिस एक बार कप्तान बन जाए, वी शुड गिव देम अ चांस टू ट्राई एंड let him lead the country, let him be what it is and try and understand what the person wants to say, because chuna to aap hi logo ne. So I personally am in the favor of how this should be running, but that is just a small. Kabhi politics ke bare mein socha nahi? Bilkul nahi, I want to be happy. कभी ऐसा लगता है कि लोग जज करते हैं कि आपका आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी थिंकिंग? नहीं, मेरे मुझे आपको फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट, मुझे कोई शौक नहीं है पॉलिटिक्स का. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ों में. मेरे हर इंसान का एक एक जरिया होता है, वो अपने उस जरिए के थ्रू अपने अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है. जैसे आपका जरिया, आप मीडिया के थ्रू से, आप मैंने आपके कितने इंटरव्यूज़ देखे हैं, और जब आप किसी चीज़ किसी मुद्दे पे बात करती हैं तो आई अंडरस्टैंड एंड यू स्पीक सो वेल, एंड दैट इज़ उस जरिए के थ्रू आप कितने लोगों के दिलों में बता देती हैं कि ऐसा ऐसा, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज़ हाउ यू आर. एंड दैट इज़ द सेम वे, हम इसे मेरा काम है, मैं फिल्मों के थ्रू द्वारा कई लोगों के दिलों में, कई लोगों के जहन में बता सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं महसूस करता हूँ, मेरा ये काम है. मेरा काम पॉलिटिक्स नहीं है. फिल्मों में काम, घर पर खुशी, बच्चे आपकी फिल्म में जाना चाहते हैं? बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं. बेटा जो है वो पेंटर बनना चाहता है, तो फिलहाल तो वो है. बेटी बहुत छोटी है, वो अभी भी टॉम एंड जेरी कार्टून देख रही है, तो इसके बारे में सोचना मेरा सही नहीं रहेगा. आप ट्विंकल की तरह लिखते हैं? नहीं, पसंद नहीं है. मुझे लिखना नहीं आता, मतलब लिखना आता है, लेकिन मुझे शी राइट्स वेरी 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 वेल. आप पढ़ते हैं? नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ.
आपने कहा वो अच्छा लिखती हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं एंड आई एम अ ह्यूज फैन द वे शी राइट्स। पर ब्लॉग्स पढ़ते होंगे उनकी किताबें अगर नहीं पढ़ी होंगी उनके ब्लॉग्स। हाँ मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते रहते हैं। हाँ पढ़ता हूँ। इत्तेफाक रखें चाहे नहीं। हाँ जी इत्तेफाक रखें चाहे नहीं, नहीं चाहे नहीं, रखे नहीं रहे सीध हमारे मेरे घर में अलग अलग उनकी सोच अलग है मेरी सोच अलग है लेकिन आपस में तालमेल सही है। अच्छा ये आपकी कुछ डायलॉग्स जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं जैसे मुझे उसमें अगर अक्षय कुमार का एक सबसे फेमस डायलॉग क्या कहेंगे आप लोग? इसकी कोई कहानी भी होती है इसके पीछे कुछ होता है या आपकी जुबान से खुद ब खुद निकलता है कोई स्क्रिप्ट राइटर ही? अमूमन जो वायरल डायलॉग्स होते हैं वो निकलते कैसे हैं? कोई कुछ डायलॉग होते हैं जो राइटर दे देते हैं कुछ डायलॉग होते हैं हमने जैसे बच्चे की जान लेगा ये बेसिकली एक लाइन है जो चांदनी चौक में बहुत इस्तेमाल अबे बच्चे की जान लेगा बे तू तो ये बेसिकली चांदनी चौक का डायलॉग है और उनका लिहाजा उनका जो बोलने का तरीका भी बहुत अलग होता है अबे पागल है बावला हो गया तू तो मतलब वो बोलते अलग हैं तो वो ये जो लाइन थी वो मेरी थी। आपने अपनी फिल्मों के बारे में कहा कि मैं पलट कर देखता हूँ क्या नहीं करना चाहिए कोई एक कैरेक्टर जो आपने प्ले किया हो जो आपके लिए हमेशा एवरग्रीन रहेगा आपको लगता है ये कैरेक्टर बहुत अच्छा था जो मैंने प्ले किया? आई थिंक जैसे आपने मुझे केसरी कहा केसरी इज अ वेरी आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ या और शायद रुस्तम रुस्तम भी था बट केसरी आई वुड से केसरी ज्यादा जी। अच्छा इसमें जैसे रुस्तम का मैं देख रही थी 57 करोड़ लगे 210 करोड़ बने उस फिल्म से और लगभग अक्षय की सारी फिल्में जो पिछली 11 थी वो एयरलिफ्ट 30 करोड़ 251 करोड़ कमाए रुस्तम बताया मैंने हाउसफुल 3 50 करोड़ लगाए 195 करोड़ कमाए 55 लगाए जॉली एलएलबी 2 में 193 कमाए 18 लगाए टॉयलेट एक प्रेम कथा में 311 करोड़ कमाए। अबे काम करिए लिस्ट इनकम टैक्स में दे दीजिए। मैं भेज दिया मैंने एक कॉपी तो मैंने फॉरवर्ड कर दी है इसकी। ये क्या यही वजह है आप कह रहे हैं कि अभी भी मैं कहता हूं कि जो बड़े बैनर्स हैं उनके साथ बड़े डायरेक्टर्स के साथ नहीं पर क्या यही वजह है कि आप एक्चुअली उन सबकी पहली पसंद बन गए? किन की पहली पसंद बन गया हूं मैं? जिनकी आप कह रहे हैं कि आप नहीं बने हैं लेकिन चाहे वो करण जौहर ही क्यों ना हो। हाँ लेकिन वो खुद डायरेक्ट नहीं करते मुझे आप देखिए मेरे पास कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है मेरे पास सारे नए हैं। लगाना ज्यादा बड़ी चीज है। हाँ पैसा लगा रहे हैं तो दांव लगा रहे हैं। हाँ अब ये नहीं मैं कह सकता लेकिन मुझे आई वुड आल्सो लाइक टू वर्क विद दीज बिग बिग डायरेक्टर्स बट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डायरेक्टरों के मेरे ख्याल मिलते नहीं हैं। मैं एक आदमी हूँ जो कि बहुत मिनिमल पैसों में फिल्में करना चाहता हूँ मिनिमल टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक फिल्म को 40 या 50 दिनों के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिंगर अ जॉब फॉर मोर देन 3 मंथ्स आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट फॉर 1 ईयर 1.5 ईयर लाइक लॉट ऑफ पीपल डू दैट एंड बिकॉज आई बिलीव इन सेविंग एनर्जी आई बिलीव इन सेविंग टाइम एंड दैट वर्क्स I think it's an important thing. Whether it's even if it is not a film industry, even if it is any kind of industry, these things work, and that's it. Martial arts में महारत और आपने self defense की भी बहुत वकालत की थी खासकर लड़कियों के लिए कि कैसे? I run schools मतलब मुंबई में मैं school चलाता हूँ मेरे कई schools हैं जहाँ मैं लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउडली सेइंग इट मैं और मेरे जितने भी ब्लैक बेल्ट्स हैं वी हैव फिनिश्ड बाय नाउ ट्रेनिंग अबाउट 40,000 गर्ल्स फ्री ऑफ कॉस्ट वी ट्रेन देम मेरे पास सीईओ से लेके हाउस मेड्स तक आती हैं सीखने के लिए। अक्षय थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो आपको लेकर हो गई थी आपने अभी कहा अपने देश को आप कितना देते हैं उसमें सबसे पहले लोग निकाल कर ले आते थे कि अक्षय कुमार तो हिंदुस्तानी है ही नहीं आपने कहा कि मैं नागरिकता के लिए बिल्कुल तैयार हूँ क्या हम समझ सकते हैं कि अक्षय कुमार भारत के नागरिक बनेंगे जल्दी? नहीं ऐसा था कि उसके एक कारण था कि मेरी जैसे मैंने आपको बताया मेरी 14-15 फिल्में नहीं चल रही थी तो मैंने सोचा था मैं बाहर जाके काम करूँगा। देखिए इंसान को काम करना होता है
चाहे वो यहाँ करे वहाँ करे, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नागरिकता नहीं रहता। मतलब मैं इंडियन हूँ और हमेशा इंडियन ही रहूँगा। तो ठीक, मैं आई ट्राई टू नाउ कि मैंने बोला चलो आई चेंज माई बेस, आई डोंट हैव, मेरे पास यहाँ काम ज़्यादा नहीं था, मेरी फिल्में नहीं चल रही थी। तो एज अ नॉर्मल पीपल, आई मीन लॉट ऑफ पीपल, एवरीबडी गोज आउट टू वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड तो मैंने सोचा, मेरा एक सबसे करीबी दोस्त कैनेडा में रहता था, तो मैं वहाँ जाने के सोच रहा था। मैंने फिर अपना पासपोर्ट करवाया, वहाँ जाना चाहता था, तो वहाँ किया मैंने। फिर उसके बाद लेकिन वो 15वीं फिल्म चल गई, फिर वो रह गया। लोगों को पता चल गया होगा कि अक्षय जा रहे हैं, उससे पहले फिल्म चलवा दो। वो किस्मत की बात है मेरी, चल गई। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ मतलब मेरे मतलब फिल्में चलने लगी, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बी हियर। एंड फिर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ मेरे जहन में नहीं है कि एक पासपोर्ट की वजह से। तो कुछ कई लोगों ने इसके बारे में मतलब टू शो माई मी बींग एन इंडियन, आई नेवर न्यू दैट आई हैव टू हैव अ पासपोर्ट इन अ हैंड एंड देन ओनली आई विल बिकम अ प्रॉपर इंडियन। बट फॉर दैट ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड माई दिस थिंग एंड आई विल वेरी सून गेट माई सिटीजनशिप। मुझे लगता है उनकी फरमाइश पूरी कर लेते हैं। खत्म? देखिए वो तब से खड़ी हैं। प्रश्न खत्म हो गए? नहीं, प्रश्न खत्म नहीं हुए। तो कर लेते हैं ना, लास्ट लास्ट में कर लेंगे, करते हंसते खेलते, फिर मैं वाला करते करते निकल जाऊंगा। नहीं, क्या पता वाला पहला। या मैम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर। मैम जल्दी से बोलिए। हाय, हु? Hi Vedika, how are you? I hope you're good. She's sitting there. Oh. Okay. ये इतनी पीढ़ियों को अपील आप कर जाते हैं। हाँ जी, इतनी पीढ़ियों को। देखिए वो कह रही है उनकी बेटी, कितने साल की आपकी बेटी? 12 साल की बेटी है, आपकी फैन है, आपका एक हाय सुनने के लिए। I'll tell you something, it's because of them. नहीं नहीं, वो रिकॉर्ड हो गया, आप बैठ जाओ, रिकॉर्ड हो गया। हाय हाय वेदिका, आई होप यू आर ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड बी हैप्पी। ओके, शी इज अ होस्ट, यू हैव टू आस्क हर। मैम आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था ऐसे समय पे जब सब करना चाह रहे थे, देखिए इलेक्शन से पहले सब चाह रहे थे उस समय। आप अब आज तक पर गुड न्यूज के साथ न्यूज बुलेटिन करेंगे, एक एंकर का उसका किरदार। मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला है कि एक न्यूज एंकर बन के आके मैं गुड न्यूज, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि न्यूज में कई कई अलग अलग चीजें आती है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, यहाँ चोरी हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, सो ये सब चीज चलता है। तो एक 5 मिनट का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 5 मिनट का मुझे एक मिला हुआ है जहाँ मैं गुड न्यूज आके कुछ पढ़ूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो अमित शाह जी आ रहे हैं इसके बाद जी, आपके सेशन के बाद, कुछ सवाल बताते जाइए। मैं बता के जाऊँ? हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ आप। ठीक है, मतलब एक जगह हो गया, पूछ लिया, फिर वही पूछता रहूं। रिपीट नहीं करते हैं अक्षय सवाल। लोग पूछ रहे हैं स्ट्रॉबेरी खाते हैं। नहीं नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं, आई थिंक आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि ही शुड ट्राई एंड बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर आवर कंट्री, इज द होम मिनिस्टर। आई थिंक आई वुड ask him and tell him to please take care of his health, and also that I will just give him a suggestion of sir ki 6:30 baje ke baad khana na khaye sham ke, matlab ha ji, wo suggest kar rahe hain ki aap interview le lijiye, nahi nahi sarkar mujhe chodo, main bas yahi kehna chahunga ki it will be good for him if he stops eating food after 6:30, after 6:30 kisi ke liye bhi, unke liye bhi, kisi ke liye bhi, kyunki that is the most important thing, aur hamare shastron mein likha hai surya ast se pehle aapko kuch anvan nahi khana chahiye, and it helps your body. Surya ast ke baad nahi khana chahiye? Acha, aapki fitness ki yahi secrets hain ki aap? See, these are not secrets, these are very much there, hum bhul gaye,
हम सब भूल गए। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, मेरे को एक बात बताइए कि हम सब सुबह सुबह स्कूल में जाया करते थे, सुबह जल्दी उठते थे। 4 बजे नहीं उठते थे अक्षर, 4 बजे एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ने नहीं उठते थे। वो तो रात भर सोते ही नहीं थे। फिर वो अलग बात है, वो आपकी अलग बात थी, लेकिन हम तो भैया सुबह 4 बजे उठते थे, 4:15 पे सो जाते थे पढ़ के। तो इट्स अ वेरी, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि मुझे कभी पूछते हैं, कोई पूछता है कि सुबह आप उठ जाते हो जितनी जल्दी उठ जाते हो, तो भाई सुबह उठती है उठने के लिए, रात को जल्दी सो जाते हो। अबे रात को सोऊंगा नहीं तो क्या करूं। अब मुझे लगता है मैं क्वेश्चन सब नहीं ले रहे हैं मैम, फॉर्मेट नहीं है, पहले खत्म हो जाए जब मैडम बोल देंगी। अरे आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं वैसे? नहीं अवॉइड मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि सी मैंने देखा है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जब ऐसे स्टेज पे आता है तो लास्ट में डांस करते करते निकल जाओ, हंसते खेलते खुशी मजे निकल जाओ। इट्स लाइक अ क्लाइमैक्स ऑफ अ फिल्म। क्लाइमैक्स में तो पुलिस आती है लास्ट में लेट, तो इधर ही बुला लो। नहीं नहीं वो आपको निकलने थोड़ी देंगे उतनी जल्दी, इधर होम मिनिस्टर आ रहे हैं बाद में। हाँ होम मिनिस्टर। आपसे मैंने आपके फेवरेट कैरेक्टर को पूछ लिया, आपने अच्छे से बताया, फिल्म आप कमिट नहीं कर रहे हैं कि कौन से उसमें कैरेक्टर, आपने बता दिया है। जी, को-स्टार कोई फेवरेट रहा है आपका? को-स्टार्स मेरे कौन फेवरेट रहे हैं, मतलब कब की बात कर रहे हो? इट ऑल डिपेंड्स कौन से सन की बात कर रहे हैं। हर 10 साल का बता दीजिए ना शुरुआत। पहले जो 10 साल थे मेरे, मेरी जो पहली हीरोइन थी, 2 हीरोइन मेरी पहले थी, एक शांति प्रिया और एक करिश्मा कपूर। हाँ। तो उनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया, सो दे हैव बीन माय फेवरेट। एंड फिर 2000 से लेके 2010 तक मैंने माय वाइफ हैज बीन दैट टाइम, एंड उसके बाद 2010 से लेके 2020 तक was been my favorite. I've done maximum films with Katrina. Armed forces को लेकर इतना प्यार क्यों आपका? भारत के वीर एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके साथ लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं और बहुत जरूरी था पैरामिलिट्री फोर्सेज को ये सपोर्ट। मैं सबसे पहले तो मैं भारत के वीर की तरफ से आप भारत के सारे नागरिकों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबको बताऊं कि हमने इसके अंदर 350 करोड़ रुपए आप सब ने मिल के इस प्लेटफॉर्म को दिया है और वो सारे आर्म फोर्सेस को गए हैं, सारे वो शहीदों के परिवार को गए हैं, और and it's one of the most amazing and I'm so proud of it and I'm saying it so proudly that I'm so happy about it that I've got a chance to do this and it is thanks to the whole people of India who have contributed in it and done it for it and aap kya pooch rahe the mujhse nahi yahi pucha tha yahi pucha tha matlab kyun ye judav raha hai aapka judav isliye raha hai ki ma'am my father was a soldier unko maine dekha hai in a uniform. आपने चाहा नहीं था कभी कि आप यूनिफॉर्म पहने? मैं एक्चुअली आई वुड हैव बीन इन नेवी बट माहौल मतलब सब कुछ बदलता गया, फिर मैं मार्शल आर्ट की तरफ चला गया, फिर मैं मार्शल आर्ट का टीचर बन गया, फिर मैं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता था, एंड करते करते मुझे पता भी नहीं चला मैं एडवर्टाइजमेंट में कब आ गया, मैं मॉडल बन गया, रैंप वॉक करता था, और उससे वहाँ से करते करते मैं फिल्मों में कब आ गया। इट इज़ ऑल बीन एक सफ़र होता है जो कि वैसे मैं यही समझता हूँ सबका सफ़र ऐसे होता है कि पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, कभी पीछे मुड़ के देखो तो फिर याद आता है यार यहाँ से कमाल का सफ़र रहा है। तो मुझे ये भी सफ़र में याद है कि मैं यहाँ लाजपत राय मार्केट में कुंदन की ज्वेलरी बेचता था, वहाँ से ख़रीद के फिर मुंबई में भी जाके बेचता था, तो बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें रही हैं सफ़र के अंदर। कोई मलाल नहीं रह गई है ऐसी ज़िंदगी में? सब कुछ जी लिया है आपने, वो संघर्ष भी और वो उपलब्धियाँ भी। मैं अपने सफ़र को संघर्ष नहीं कहूँगा, मैं अपने सफ़र को एक बहुत ही मज़ेदार हंसता हुआ
और हैप्पी गो लकी सफर कहूँगा. संघर्ष नहीं है, इट इज़ अ हैप्पीनेस विच इज विच एक्चुअली मेक्स योर सफर मोर इंजॉयबल. मुझे लगता है कि फिटनेस की जो बाकी बातें आप कर रहे हैं उससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग खुश रहने की कला सीख लें. खुश रहना बहुत ज़रूरी है. मैंने अपने फादर से सीखा है. माई फादर ही इज़ नो मोर एट द मोमेंट आई मीन से, बट द मोस्ट इन्जॉयबल थिंग ही वट ही टॉट मी इज इन द हाउस हमेशा हंसते रहो. मेरे घर में सिवाय जोक से कुछ नहीं चलता. एक दूसरे की मजाक उड़ाने में, एक दूसरे का खिलड़ी उड़ाने में, गेम्स में, चाहे वो सांप सीढ़ी हो, लूडो हो, चेस हो, कुछ भी हो, घर में बस खुशी रहनी चाहिए. जब हमारे पास पैसे ज़्यादा थे भी नहीं तब भी खुशी थी. जब हमें यहाँ चांदनी चौक में करीबन एक घर के अंदर 24 जन रहते थे तब भी खुशियाँ थी, और आज भी मतलब ये कहूँगा कि खुशियाँ हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी हैप्पी गाइज. उससे बड़ी हेल्थ की टिप मैं आपको नहीं दे सकता हूँ. जस्ट बी हैप्पी, सेंड अ जोक टू सम 4-5 पीपल, गेट सम जोक्स फ्रॉम योर लाइफ, बी हैप्पी. एंड इस मतलब इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल इसी चक्कर से इसी में होगा अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो. उसके बाद हैंड स्टैंड भी कर पाएंगे, उतने फिट हो जाएंगे. लेकिन खुशी की बात आपने की, खुशी में लोग झूम कर नाचते हैं. आपके तो ऐसे कोस्टार्स भी रहे हैं सुनील शेट्टी जैसे, फीमेल नहीं मेल कोस्टार्स की बात कर रही हूँ, जो मल्टी स्टारर फिल्में आया करती थी, जो डांस नहीं कर पाते थे, अक्षय कुमार संभालते थे पूरे उसको. तो अब ज़रा कुछ लोगों को सिखा तो दीजिए अपना बाला वाला स्टेप. हाँ मैं सिखा कर देता हूँ, इसमें क्या है. ओके मैं इंटरव्यू खत्म. देखिए टाइम्स अप. नहीं बहुत ज्यादा नहीं प्लीज. हाँ 5 ये बस टोटल. बस नहीं 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Rabbi, 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 Rabbi,